इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ है जर्जर भोपाली जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंट समाचार। नमस्कार, भैरंट समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, कोई एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रहा है आ रहा है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था। मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया, बता रहे हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचाया, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी में पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रहे हूँ। ये संभाल के रखो पानी को। वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे वेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई। ये थी तो हालत हो जाती है, बता रहे हूँ। पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रहे हूँ। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रहे हूँ। हमले तो बढ़ेगा ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के, क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, तो ये तो अब चल जाए। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है, बता रही हूँ। ऐसे भुनमरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रही हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया। हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहतरी गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ। वो 22 फीट ऊँची दीवार कूद काद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफर हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो पहुँचे। और फिर भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो, रुक जाओ, मेरा दोबारा था फिर से ट्रांसफर हो गया। ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे, उसमें अपना वोट डाल दो। ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता रहा हूँ। यह भी बहुत आलसियों की कमी नहीं है, बता रही हूँ। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छूट गए इनके जीतने में, बता रही हूँ। हल्के में मत लो भैया किसी को, बता रही हूँ। वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कब चल जाए क्या चल जाए। अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना, बता रही हूँ। और अभी विराट कोहली का फोन आ रहा है, हमें मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको। तो भैया नमस्कार, मैं जा रही हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।